कितना मजा आता है कोई भी कार्ड जब लाइफ टाइम फ्री हो, साथ ही अनलिमिटेड कैशबैक दे, तो वो कार्ड को यूज़ करने का मजा ही कुछ है। तो आज मैं इसी तरह के क्रेडिट कार्ड जो कि RBL Zomato एडिशन क्लासिक क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ। ऐसे क्या क्या हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं उसकी वजह से हमारा जो एप्लीकेशन या हमारा कार्ड एप्लीकेशन यहाँ रिजेक्ट हो जाता है जब भी हम Zomato के ऐप से इसको अप्लाई करते हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर आपको यहाँ Zomato ऐप में यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हमें अप्लाई का ऑप्शन कैसे मिलेगा, और अप्लाई करते समय हमको क्या क्या चीज़ें को बहुत ध्यानपूर्वक देख के छोटी छोटी गलतियाँ हमको नहीं करना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। चैनल पर नया हूं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, चाहे तो उसको जाके आप यहां देख सकते हो। नंबर वन, आपको Zomato के ऐप को हमेशा यूज करते रहना है, यानी कि फूड ऑर्डर के लिए हमेशा यूज करते रहना है। ऐसे में क्या है, Zomato की ओर से लाइफ टाइम फ्री वाला आपको ऑफर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ये लाइफ टाइम फ्री वाला कार्ड है जो कि इनवाइट ओनली कार्ड है, यानी कि जिसको ऑफ़र है उन्हीं को ये मिलेगा। ऐसे में हर किसी को हो सकता है अप्लाई का ऑप्शन यहाँ लाइफ टाइम फ्री वाला ऑफ़र ना मिले। तो ऐसे में इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे में आपको Zomato के ऐप में यहाँ चैट के थ्रू आपको जो है Zomato एडिशन के सपोर्ट से आपको यहाँ बात करना है। वहाँ आपको क्लियरली बताना है कि आप जो है इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको Zomato के ऐप में कहीं भी आपको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये चीज़ आपको Zomato के सपोर्ट से बात कर लेना है। तीसरी चीज़, आपको यहाँ ट्विटर में @Zomato को यहाँ टैग करके आपको यहाँ आपको बताना है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ Zomato एडिशन क्रेडिट कार्ड को। तो आपको यहाँ पे 24 to 48 hours में यहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको ट्वीट में आपको बता देना है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और ऐसे में हो सकता है आपको जो Zomato के ऐप पर मनी के ऑप्शन में वहाँ पॉपअप मैसेज मिल जाएगा, या तो फिर कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन या लिंक वगैरह आपको भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ से आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक या ऑप्शन तो हमें मिल गया, तो हमें ऐसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमारा जो है कार्ड रिजेक्ट ना हो, कार्ड डिक्लाइन ना हो, हमें दोबारा अप्लाई का ऑप्शन ना मिले। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना है, जो कि आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो नंबर वन, यहां आपका सिबिल स्कोर आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यानी कि 750 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर यहां 750 के नीचे है तो मे भी आपका यहां कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिबिल के बेस पे ही ये क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूव किया जाता है, यानी कि बिना इनकम प्रूफ के आपको ये कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपका सिबिल स्कोर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 750 प्लस आपका यहाँ क्रेडिट स्कोर है तभी जाके आपको अप्लाई करना, अदरवाइज ये रिजेक्ट भी हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपका एज आपका 21 टू 60 ईयर्स के बीच में ही होना चाहिए। अगर इनके बीच आपका एज नहीं है तो यहाँ पे आपका कार्ड जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपका एरिया पिन कोड, यानी कि आपका एरिया पिन कोड सर्विसेबल होना चाहिए तभी जाके आपको ये कार्ड मिलेगा, अदरवाइज आपका एरिया पिन कोड सर्विस पे नहीं आता है तो ये कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है। चौथी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इस कार्ड पे आप जो भी इसको फूड ऑर्डर में यूज़ करते हैं तो जो भी कैशबैक मिलते हैं वो Zomato पर फूड ऑर्डर में ही उस कैशबैक को आप रिडीम कर सकते हैं। इस जो कैशबैक मिलते हैं इसको आप जो है स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं कर सकते, तो जितने भी फूड ऑर्डर करेंगे उसी में रिडीम कर पाते हैं। तो हालांकि यहाँ बात किया जाती है RBL का क्रेडिट कार्ड है, तो RBL की तरफ से जो भी बैंक की ओर से 10% या 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं वो बेनिफिट, वो फ़ायदा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इसके रिवार्ड्स मिलते हैं, जो कैशबैक मिलते हैं, वो उसको आप जो है स्टेटमेंट में यहाँ आप उसको क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फूड में ही यहाँ स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं, Zomato में ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वीडियो KYC। तो जब भी इस कार्ड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ वीडियो KYC का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि वीडियो KYC करके आप जो है इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो एड्रेस होता है, एक आधार एड्रेस जो कि परमानेंट एड्रेस होगा, दूसरा कम्युनिकेशन एड्रेस या कार्ड डिलीवरी एड्रेस उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपका आधार एड्रेस कोई दूसरा हो और जो कम्युनिकेशन एड्रेस या कार्ड डिलीवरी एड्रेस आपका जहाँ आप रहते हैं हो सकता है उसकी आप प्रूफ ना हो, लेकिन आप जब भी इसको वीडियो KYC करेंगे, यानी कि कार्ड डिलीवरी एड्रेस या तो फिर कम्युनिकेशन एड्रेस जिसको कहा जाता है वहीं रहकर आप उसको वीडियो KYC उसी एरिया में उसी एरिया से आपको बैठ के वहाँ वीडियो KYC कंप्लीट करना है। क्योंकि जब भी आप वीडियो KYC यहाँ कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे आपका लोकेशन वगैरह सारी डिटेल्स आपको शेयर करना होता है। तो ऐसे में अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस या तो फिर कार्ड डिलीवरी एड्रेस अगर आपका वीडियो KYC करते समय जो लोकेशन आपने शेयर किया है उससे मैच नहीं होता है, तो ऐसे में आपका कार्ड यहाँ डिक्लाइन भी हो सकता है, आपका कार्ड डिक्लाइन कर दिया जाएगा।
तो ऐसे में हो सकता है आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ होल्ड हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन इन प्रोसेस ही शो करेगा। तो ऐसे में यहाँ दोबारा से आप जो है 6 महीने के बाद ही यहाँ अप्लाई कर पाते हैं। आपको ध्यान देना है, जब भी आप वीडियो KYC करेंगे तो जहाँ भी हैं कम्युनिकेशन एड्रेस या तो कार्ड डिलीवरी एड्रेस, वहीं पे रहकर आपको वहाँ से कम्प्लीटली वीडियो KYC आपको कम्प्लीट कर देना है। तो ऐसे में आपका बहुत ही कम चांस रहेगा कि आपका जो है जो कार्ड एप्लीकेशन यहाँ डिक्लाइन होगा या इन प्रोग्रेस में रहेगा या होल्ड होगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जब भी इस कार्ड को आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि वहाँ कोई चार्जेस तो शो नहीं कर रहा है, एनुअल चार्जेस या ज्वाइनिंग चार्जेस तो शो नहीं कर रहा है। अगर वहाँ लाइफ टाइम फ्री लिखा हुआ है तभी आपको ये लाइफ टाइम फ्री मिलता है। अगर वहाँ ₹500 एनुअल चार्जेस प्लस GST या ₹500 ज्वाइनिंग चार्जेस प्लस GST कुछ भी वहाँ चार्जेस के बारे में मेंशन किया गया है, उसको केयरफुली आपको रीड करके ही आपको यहाँ आगे कार्ड को प्रोसेस करना है। अगर आपको लाइफ टाइम फ्री सोच के ये अप्लाई कर रहे हैं, पता चला आपको ये चार्जेस आपको पे करना पड़ रहा है एनुअल चार्जेस या ज्वाइनिंग चार्जेस, तो हो सकता है आपको यहाँ नुकसान भी हो जाए। लेकिन अगर आप जो है जोमेटो में फ्रिक्वेंटली यहाँ फूड ऑर्डर करते हैं, हमेशा इस कार्ड को यूज़ करते हैं, जोमेटो पे यहाँ पे स्पेंडिंग करते रहते हैं, तो ये कार्ड डेफिनेटली आपको चार्जेस भी लेता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छा खासा इससे कैशबैक अर्न कर सकते हैं, जोमेटो में फूड ऑर्डर करके यहाँ जो भी कैशबैक या इसके जो रिवार्ड्स है उसको रिडीम भी कर पाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।